पहुंचे हैं गांव पेगा में और आप देख रहे हैं यहां पे संत शिरोमणि रविदास जी का आज जो जन्मदिन है वो मनाया जा रहा है और मुख्य अतिथि कौन है हम पता कर लेंगे। गांव के लोग हैं मुख्य अतिथि के स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। सर जो आज ये कार्यक्रम है यहाँ पे मुख्य अतिथि आज का, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप आज हमारे गुरु रविदास जयंती की जो कवरेज कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि समाज सेवी दिलबाग सिंडील रहेंगे और विशिष्ट अतिथि प्रदीप व्यापारी जिला पार्षद हुआ और इसके बाद जो कार्यक्रम के अध्यक्ष रहेंगे श्री दलशेर पेगा रहेंगे। मतलब अभी यहाँ पे दिलबाग जी पहुँचने वाले हैं। पहुँचने वाले दिलबाग, आप देख रहे हैं दिलबाग संडील जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जो समाज सेवी दिलबाग संडील जी है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, मुख्य अतिथि है। स्वागत है सर, वेलकम। जो गाँव के लोग हैं वो दिलबाग जी को सम्मानित करते हुए आगे जाओ। इस आप देख रहे हैं जो गांव के गणमान्य व्यक्ति है, जो नौजवान साथी है, जो पिछन दे रहे हो छोटे छोटे सारे के सारे दिमाग जी को स्वागत करते हुए अच्छा कौन याद है यार डलो डलो फाइन। देख रहे हैं आप गांव पे के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है वहां पे समाज सेवी दिलबाग संडील जी पहुंचे हैं और जो गांव के बुजुर्ग हैं नौजवान हैं वो सभी के सभी दिलबाग जी का स्वागत करते हुए रोक ले पर देख रहे हैं दिलबाग जी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए और जो यहां पे हवन का कार्यक्रम है, पहले हवन के अंदर बैठेंगे दिलबाग जी, उसके बाद जो अगला कार्यक्रम है। उम्मीद है कि आप सभी से ध्यान से सुनेंगे। गुरु रविदास जी 15वीं-16वीं शताब्दी में महान संत दार्शनिक कवि समाज सुधारक और भारत में भगवान के अनुयायी हुआ करते थे। निर्गुण संप्रदाय के ये बहुत प्रसिद्ध संत थे। गुरु रविदास जी का जन्म वाराणसी के पास गोवर्धन गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम कलसा देवी एवं पिता संतोष दास जी थे। रविदास जी के पिता राजा नगर राज्य के सरपंच हुआ करते थे। इनके जूते बनाने और सुधारने का काम हुआ करता था। रविदास जी बचपन से ही बहुत बहादुर और ज्ञानी थे। रविदास जी को बचपन से ही उच्च कुल वालों की हीन भावना का शिकार होना पड़ा था। रविदास जी ने समाज को बदलने में अपनी कलम का सहारा लिया। वे अपनी रचनाओं के द्वारा जीवन के बारे में लोगों को समझाते, लोगों को शिक्षा देते कि इंसान को बिना किसी भेदभाव के अपने पड़ोसी के अपने सम्मान प्रेम करना चाहिए। बचपन में रविदास जी अपने गुरु पंडित शारदानंद की पाठशाला में शिक्षा लेने जाया करते थे। उस वे लोगों को समझाते थे कि इंसान जाति धर्म या भगवान पर विश्वास के द्वारा नहीं जाना जाता, बल्कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा पहचाना जाता है। रविदास जी ने समाज में पहले भ्रष्टाचार और छुआछूत के प्रचलन को भी खत्म करने के बहुत प्रयास किए। आज हमारे संत रविदास की 640 जयंती है। ले लो ले लो संत गुरु का नाम चलेंगे सत संग में। ले लो ले लो गुरु जी का नाम चलेंगे सत संग में। ओड़ा शेर शेरनी आए, ओड़ा शेर शेरनी आए, शेर सोए शेरनी जो करेगी सत संग में। शेर सोए शेरनी जो करेगी सत संग में। ले ले सतगुरु का नाम चलेंगे सतसंग में। ले ले गुरु का नाम चलेंगे सतसंग में। और मोर मोरणी आए, और मोर मोरणी आए, मोर सोए मोरणी जाग रही सतसंग में। मोर सोए मोरणी जाग रही सतसंग में। ले ले सतगुरु का नाम चलेंगे सतसंग में। का नाम चलेंगे सतसंग में। नाग नागनी आए, उड़न नागनी आए, नाम सोए नागनी जाग रही सतसंग में। नाम सोए नागनी जाग रही सतसंग में। चलो तथा बुजुर्गो, सबसे पहले मैं आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ कि आज महान संत गुरु रविदास जी की 640वीं जयंती है। मैं
मैं इस उपलक्ष्य पर आपको गुरु रविदास जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। गुरु रविदास भी भक्ति आंदोलन के महान संत थे। उन्हें रामानंद का शिष्य माना जाता है। उनका जन्म लगभग 1376 ईस्वी पूर्व 640वें जन्मदिन के अनुसार वाराणसी के मांडवी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रघुराम था। उन्होंने उत्तर भारत के विस्तृत क्षेत्र में भक्ति का प्रचार किया। उनके अनेक पद सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। उन्होंने सदा जाति प्रथा ऊंच नीच धार्मिक आडम्बरों का विरोध किया। वे सादगी पूर्ण ईश्वर भक्ति में विश्वास रखते थे। गुरु रविदास ने सादगी पूर्ण भक्ति का प्रचार करते हुए भी अपने व्यवसाय को नहीं छोड़ा तथा श्रम के महत्व का संदेश दिया। मैं इस महान संत को बार बार प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। संत शिरोमणि गुरु रविदास के इस प्रकार सत्सव पर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो ये कहूंगा ऐसे महान पुरुषों के बारे में जितना भी कहा जाए, जितनी प्रशंसा की जाए, जितना बखान किया जाए, वही हमारे लिए बहुत कम है। क्योंकि ये महापुरुष आज से नहीं 640वीं जयंती है इनकी। इन्होंने अंधकार को प्रकाश और अंधेरे को उजाला बनाने का काम किया। आज मैं तो ये कहूंगा कि उनके मार्ग चिन्हों पर, उनके दिखाए रास्ते पर हमें चलकर हमारे समाज के साथ साथ पूरे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो हमें हमारे बीच से कोई साथी या कोई बच्चा बेटा बेटी कोई पीछे भी है, पढ़ाई में है, खेल में है, या उसमें कोई टैलेंट है, किसी कारणवश वो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूँ कि आप उसको ऊपर उठाने का आर्थिक मदद करके और उसको मोटिवेट करके, चाहे स्कूल भेजने का हो, चाहे ग्राउंड जाने का हो, हम एक दूसरे को सहयोग करें। टाइम में आप लोग सब, हम लोग सब एक हैं। ये महापुरुष है, ये हमारे सबके एक हैं। और ज्यादा टाइम ना लेकर मैं तो यही कहूंगा कि एक हम, जैसे मास्टर जी ने बताया कि एक हम, ये नहीं है कि हम भंडारा लगाया, हम एकजुट बैठ के खाना खा के, इसमें हमारी भाईचारा की मिसाल भी हमें देनी चाहिए। हमें एकजुट भी होना चाहिए। खाली ये नहीं कि हमने खाना खा लिया, प्रसाद ले लिया, मेल मिलाप अपना आपको रखो। कोई किसी का ये नहीं कि जी अपनी वो डबड़ी भोरिया है, कोई बिठा रहा है। थोड़ा बहुत अपने अंदर जो आपस का मनमुटाव है उसको भी हम दूर करके एकजुट होकर चले, और एकजुट जितने हो गए उतने ही हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको फिर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। देखा है गांव पेगा के अंदर जो संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती का कार्यक्रम चला हुआ है, वो हमने आपको दिखाया है। और जो कमेटी के सदस्य हैं या युवा हैं जो इस कार्यक्रम में भूमिका अदा कर रही है, वो हमारे बीच में है। और नमस्कार जी, आर्य जी, आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। सर आपका, मेरा नाम मास्टर कृष्णदास है। और ये जन्म दिहाड़ा है, ये कितने कौन सा है आज का जो ये गुरु रविदास जी का जन्म दिहाड़ा, ये 646वां जन्मदिन मना रहे हैं। तो हमारा आपसे सवाल है कि आप पिछले कितने सालों से ये कार्यक्रम करवा रहे हैं? देखो, जब से मेरा जन्म हुआ, जब से मैंने सोधी संभाली है, तो मैंने लगातार अपने गांव पेगा में गुरु रविदास जयंती को मनाते हुए देखा। उससे पहले भी हमारे बुजुर्ग मनाते आ रहे हैं, तो हम इसी परंपरा को आगे लेके जा रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। सर आप, गुलाब सिंह जी, गुलाब सिंह जी, गुलाब सिंह जी, आप कैसा लगा कि आपको? बहुत बढ़िया लगा। यहाँ का काम, यहाँ भाईचारा का प्रतीक, भाईचारा, इससे भाईचारा बढ़ता है।
और मैं चाहूंगा कि वे आने वाले समय में भी मेरा एक संदेश है कि भी इसी तरह हम इकट्ठे रहे। अनिल जी आप क्या संदेश देना चाहोगे जो नई बच्चों को शिक्षा दे, जो महाराज जी की शिक्षाएं ग्रहण करें, उनके मार्गदर्शन पर चलें। बहुत बढ़िया। जैसा कि कृष्ण जी हैं, गुलाब जी हैं, जितने भी साथी हैं, इन सबका कहना है कि हर साल जो ये आज कार्यक्रम करते हैं, इससे हमारा भाईचारा मजबूत होता है और जो नए बच्चे हैं उसके अंदर भी हमें कि जातिवाद को भुला के पढ़ाई की ओर ध्यान दें। इनका जो ये कृष्ण जी ने कहा है कि मतलब इस तरह का यहाँ के पूरा का पूरे दिन जो कार्यक्रम चलता है, भंडारा चलता है, पूरे दिन चलता है। कृष्ण आर्य एडवांस मार्केट में।